सहारा मुस्लिम वेलफेयर की कम कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सहारा मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड मलेरकोटला वालों इस्लामिक अलसी में सैकेंडरी स्कूल जेडे नीड के बच्चे ने हकदार बच्चे ने जरूरतमंद परिवारों के बच्चे ने जिन्हें को किताबा कापिया यूनिफॉर्म ड्रैस बूट बैग नहीं सी वो सहारा मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी वालों हर साल की तरह क्योंकि पिछले 11 सालों में तकरीबन सहारा मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी वेलफेयर के कामों में योगदान पाई आ रही है जिसे मेन किताबा कापिया और इस तो अलावा जरूरतमंद मरीजों की हेल्प जरूरतमंद बच्चों के समूहिक ब्याह का जिम्मा खूनदान कैंप नशे के खिलाफ अवेयरनेस और भयानक बीमारियों के मुतलब जो भी साढ़े कैंप लगते आ रहे हैं वो इंशाल्लाह लाने जा रहे हैं। इस सिलसिले के अब असं इस्लामिया गर्ल स्कूल के प्रोग्राम रखा गया जिसके तकरीबन असं 200 तो प्लस और इस तो अलावा होर अदर कई स्कूल ऐसे ने जिन्हों के पिछले कई दिनों तो सहारा मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी के लिए काम किया जा रहा है और इंशाल्लाह ताला एक सिलसिला अगर भी जारी रहेगा और आने वाले दिनों अस हो रहे बच्चों में अदर अलग अलग स्कूलों के समान देगा। सहारा मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी पिछले 11 सालों तो लोकलाइन के काम करते आ रही है जिमें कि एजुकेशन के उपर असं काफ़ी काम करते आ रहे हैं। स्कूलों के बच्चे ने जो गरीब परिवारों संबंधित रखते हैं तो गरीबी की वजह करके बच्चे पढ़ा नहीं सकते होंगे नौवीं अठवीं सतवीं को हटा लेते असं कई टीचा चुके हैं भी दसवीं तक तो एटलीस्ट हरेक बच्चा इतों पढ़ के जाए ता कि वह एक पढ़ने योग अपना बच्चा बन जाए तो नाल ही यह जो फंड होंगे मलेरकोटला शहर के सहयोग में चलता है साढ़े को जुकात का पैसा होंगे कुछ इमदाद का कुछ खाना का पैसा मलेरकोटला जो शहर है सानू बहुत इमदाद करता असं उन्होंने तय दिलों धनवादी हाँ फिर भी अपील करते हैं भी वो सानू इदा ही फंड देंदे रहन ताकि लोग भलाई को असं कम करते रहिए ये असी मरीजों का इलाज भी कराने तो खूनदान कैंप हो गया तो नाल ही समूहिक ब्याह ने जो उन्होंने उपर भी कम करते हैं तो शहर वासियों के सहयोग न ही असं ये कम करते हैं। शहर वासियों का बहुत ही धन्यवाद। सो बहुत ही भला पाला जो सारा मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी कर रही है बहुत भला पाला है।